दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इस वीडियो को देखने के बाद यह सीख मिलने वाली है कि किस तरीके से इंसान विपरीत परिस्थितियों में अपनी खराब से खराब दयनीय परिस्थितियों से बाहर निकल करके इंसान अरबपति बन सकता है। आज की वीडियो में मैं 5 दलित अरबपतियों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्होंने जीरो से शुरुआत किया और आज भारत के ब्रांड बने हुए हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिए जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों पहले नंबर पर हैं राजेश सरैया। दोस्तों राजेश सरैया का जन्म उत्तर प्रदेश के सीतापुर में हुआ था, उनके गाँव का नाम था सरैया सैनी। साथियों राजेश सरैया जी के पिताजी नाथाराम चाहते थे कि हमारा बेटा बड़ा इंसान बने, इसलिए उन्होंने जिस जमाने में लोगों के उल्टे सीधे नाम रखे जाते थे उस जमाने में उन्होंने अपने बेटे का नाम राजेश रखा था। साथियों उनकी बेहतरीन शिक्षा के लिए उनके पिताजी ने उनका एडमिशन देहरादून में करवाया। वहाँ से वह पढ़ाई करने के बाद रूस चले गए और रूस में जा कर के पढ़ाई कम्प्लीट करने के बाद उन्होंने एक स्टील फैक्ट्री डाली और आगे चल करके उन्होंने स्टील फैक्ट्री को इतना बड़ा बनाया कि कई देशों में उनका व्यापार चलता है, यूक्रेन में और तमाम देशों में उनका व्यापार चलता है और वह भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के अरबपतियों में उनकी गिनती होती है। दोस्तों वह आज भी बाबा साहब अम्बेडकर और तथागत गौतम बुद्ध के अनुयायी हैं। साथियों उनको आज भी डॉक्टर अम्बेडकर जयंती बुद्ध पूर्णिमा मनाते हुए देखा जाता है। दोस्तों दूसरे नंबर पर हैं भगवान गवई। साथियों भगवान गवई का जन्म महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के सिंधखेड़ा तहसील के राहिरी गांव में हुआ था। उनके पिता एक बेलदार थे तथा माता खेती का कार्य करती थी। उनका जन्म जुलाई 1955 में हुआ था। दोस्तों 3 भाई और 1 बहन थे। साथियों भगवान गवई जी के पिता की मृत्यु जब भगवान गवई बहुत छोटे थे उसी समय हो गई, इसलिए उनका बचपन बहुत ही कठिन परिस्थितियों में गुजरा और उनकी माता मजदूरी का कार्य करती थी तो वह मजदूरी करके किसी तरह अपने बेटे को यानी भगवान गवई को पढ़ाई। भगवान गवई पढ़ने में तेज थे, उन्होंने अच्छी शिक्षा हासिल की और उसके बाद उनको HP कंपनी में जॉब लग गई। लेकिन जाति पीछा नहीं छोड़ती है। भगवान गवई के साथ बहुत भेदभाव होता था, उनके पास नॉलेज बहुत अच्छा था, कंपनी को उनसे फायदा भी बहुत होता था, लेकिन जो उसमें कर्मचारी थे उनके साथ भेदभाव करते थे जिससे वह परेशान होकर के HP कंपनी से रिजाइन कर दिए और आगे चलकर उन्होंने अमेरिकी कंपनी में जॉब पकड़ लिया। अमेरिकी कंपनी में जॉब पकड़ने के बाद वह अमेरिका चले गए और अमेरिका पहुंचने के बाद उनको अपनी काबिलियत पे भरोसा था, उनको लगा कि मैं खुद की कंपनी डाल करके इसको आगे बढ़ा सकता हूँ। तो बाद में उन्होंने छोटी छोटी तेल कंपनियों से कॉन्टेक्ट किया और तेल का व्यापार करने लगे। साथियों कुछ दिनों बाद उन्होंने अपने बेटे के नाम पर यानी कि सौरभ बनर्जी के नाम पर अपनी कंपनी का नाम रखा और उन्होंने रबड़, सल्फर, तेल और तमाम प्रकार के बिजनेस में हाथ आजमाया और सफल हो गए। साथियों किसी समय में 100-200 रुपए की मजदूरी करने वाले भगवान गवई आगे चलकर के अरबपति बन गए। साथियों तीसरे नंबर पर हैं कल्पना सरोज। कल्पना सरोज का जन्म महाराष्ट्र के रोपड़खेड़ा में हुआ था और उनके पिता हवलदार थे। कल्पना सरोज की शादी 12 वर्ष की आयु में ही हो गई थी, लेकिन शादी का अनुभव बहुत ही बुरा रहा और उनके ससुराल से उनका सामंजस्य सही नहीं बैठ पाया तो वह अपने पिता के घर वापस आ गईं और उसके बाद वह अपने चाचा के साथ मुंबई चली गईं और मुंबई में वह सिलाई का कार्य करने लगी, लेकिन सिलाई का काम उनको नहीं आता था। इस वजह से कंपनी मालिक ने उनको सिलाई का कार्य नहीं दिया, उनको धागा छाटने का काम दिया था। धागा छाटने का सिर्फ उनको 2 रुपया मिलता था। फिर धीरे धीरे उन्होंने कुछ पैसे की व्यवस्था की और घर पर ही कुछ सिलाई मशीन बैठाई और कुछ लड़कियों को रोजगार दिया और धीरे धीरे उससे उन्होंने 1 लाख रुपए इकट्ठा किया और एक विवादित जमीन खरीद ली जिसकी कीमत आगे चल करके 50 लाख रुपए हो गई और उसी विवादित जमीन पर एक बिजनेसमैन से पार्टनरशिप करके बिजनेस को आगे बढ़ाया जिसमें से 65% कल्पना सरोज को मिलता था और उन्होंने 4.5 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया। फिर आगे चल करके कर्ज में डूबी हुई कंपनी कमानी ट्यूब से जुड़ गई और 2006 में उसकी मालकिन बन गई। 2013 में उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। साथियों चौथे नंबर के दलित अरबपति हैं राजा नायक। साथियों कर्नाटक में जन्मे राजा नायक 4 भाई बहन थे और वह अमिताभ बच्चन की फिल्म देखते थे और उनसे बहुत प्रेरित थे। उन्होंने अमिताभ बच्चन की जीवनी को पढ़ा था कि किस तरीके से अमिताभ बच्चन इलाहाबाद से भाग करके मुंबई गए थे और सफल हुए थे। उनसे प्रेरणा लेकर राजा नायक भी भाग करके मुंबई चले गए।
और मुंबई में उन्होंने टी शर्ट बेचा, चप्पल बेचा और कुछ ही दिनों बाद वह फिर से वापस बंगलोर चले गए। बंगलोर में जाकर के भी उन्होंने वही काम शुरू कर दिया, चप्पल और टी शर्ट बेचने लगे। धीरे धीरे वह आगे बढ़ते गए और दोस्तों उन्होंने खुद की अपनी निजी कंपनी खड़ा कर दिया और दोस्तों उन्होंने अपने बिजनेस को इतना आगे बढ़ाया कि और आज के समय में वह दलित अरबपतियों में से एक हैं। साथियों, पांचवें नंबर पर हैं सुधीर राजभर। दोस्तों, पूरे भारत में जहां कुछ लोग जातिवादी मानसिकता के लोग हैं जो चमार शब्द को गाली के रूप में यूज करते हैं, वहीं पे सुधीर राजभर ने चमार शब्द को ही ब्रांड बना दिया है, जो देश और विदेश यानी भारत में और विदेशों में हर जगह चमार को ब्रांड के रूप में देखा जाता है। तो यह कारनामा किया है सुधीर राजभर जी ने। सुधीर राजभर का जन्म यूपी के जौनपुर में हुआ था और वह बचपन से ही मुंबई रहने चले गए थे, लेकिन जब भी वह गाँव आते थे तो लोग उनको चिढ़ाते थे, चमार चमार कह करके चिढ़ाते थे और उनको गालियां देते थे, जिससे वह तंग आ गए थे और उन्होंने कसम खाया था कि मैं इस चमार शब्द को ब्रांड बना दूंगा। और इसके बाद वह मुंबई पहुंचते हैं और मुंबई जा करके वह बैग बनाते हैं, चमड़े का बैग बनाते हैं, लेदर का बैग बनाते हैं, उस पर लिखते हैं चमार और धीरे धीरे कंपनी की शुरुआत करते हैं और उस कंपनी में दलित समाज के लोग और मुस्लिम समाज के लोगों को जोड़ते हैं, चमड़े का कारोबार शुरू करते हैं और वह बेहतरीन बेहतरीन पर्स और बेल्ट डिजाइन करने लगते हैं जिनकी डिमांड बढ़ जाती है और भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी उनका बिजनेस फैल जाता है। और साथियों, कहते हैं ना कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है, तो सुधीर कुमार जी ने करके दिखा दिया और चमार शब्द को ब्रांड बना दिया और इस समय वह भारत के अरबपतियों में शामिल हो चुके हैं। साथियों, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था कि हमारा यह बहुजन समाज बिजनेस के तरफ बढ़े, शिक्षा के तरफ बढ़े और अपनी खुद की एक ऐसी स्थिति बनाए और किसी से मांगने की जरूरत न पड़े। इस बहुजन समाज को देने वाला समाज बनाना चाहते थे, जिसको माननीय श्री कांशीराम साहब ने सपना पूरा भी किया था और सुधीर कुमार जैसे लोगों ने इसको फॉलो भी किया है। तो साथियों, हमको और आपको इन सब चीजों को समझते हुए आगे बढ़ना और खुद का एक बिजनेस खड़ा करना है और मांगने वाला न बन करके हमें देने वाला बनना है। छोटी सी ही कंपनी डाली जाए, छोटी सी ही दुकान डाली जाए और लोगों को रोजगार प्रोवाइड किया जाए, लोगों को रोजगार की व्यवस्था किया जाए। मैं उड़ता हुआ परिंदा हूँ, मैं उड़ता हुआ परिंदा हूँ, पंख फैलाकर हवा में लहराता रहूंगा, आंधी व तूफानों से लड़कर रास्ता बनाता रहूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर के रहमो करम है मुझ पर, बाबा साहब अम्बेडकर के रहमो करम है मुझ पर, इसीलिए जब तक सांस है मुझ में उनके कारवां को आगे बढ़ाता रहूंगा, उनके कारवां को आगे बढ़ाता रहूंगा। तो साथियों, आज मैं आप लोगों को 5 अरबपतियों के बारे में बताया हूं जो दलित समाज से थे। तो दोस्तों, आज की यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।